एक समय श्री गुरु पंचमे पातशाह दोहान दे वाली कोट ब्रह्मांड के ठाकर इलाही जोत रब दा नूर कुदरत कृष्मा राजमान सन। महाराज अगे भाई गुरदास ने प्रश्न करया, हे महाराज हां ये जेड़ा पुरुष है तेरी मुक्ति किने होवे? इथे भी दुख सुख है, दरगाह विच भी दुख सुख, किने खत्म हो? श्री गुरु पंजवे पातशाह दो जहान दे वाली उन्होंने मारू राग विच फरमाया भी इहदा दुख सुख दा मालक कौन है, ये बैकुंठ नूं किने जा सकदा है, सो सरबन करो। गुरु साहब फरमाउंदे हन, सुनो महाराज की कहिंदे हन। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सदा वास्ते सत है, गुरु दी दृष्टि होवे जे सिर दे विच इक ओंकार है ओदे नेड़े कदे जम नहीं आऊ। भगवान ऐसे कह रहे हन, एक ओंकार दा जे अर्थ करिए सो हंग दा अर्थ भी एहो है, एक ओंकार दा अर्थ भी एह है, सत नाम दा अर्थ भी एहो ही है। ए जानी सारे ईश्वर दे नाम है, महात्म एको ही है। जो पुरश पाशना करदा है ओनू कदे भी छड्डनी नहीं चाहिए, ऐसे भगवान कह रहे हन। प्राण सुखदाता जी सुखदाता, तन काहे दिसारे अज्ञान थे। हे पुरशा महाराज कहिंदे, ऐस लोक विच परलोक विच तेरे प्राणा दा सहायक सहायता करन वाला ईश्वर है, हे मूर्ख तू क्यों विसारता ऐडे वाहिगुरु नूं ऐडे ईश्वर नूं? गुरु महाराज ऐसे कहिंदे हन। होछा मद चाख होए तुम बावर, दुलप्त जमन अकारथ। हे पुरशा जेड़े संसारक सुख है, संसारक पदार्थ है, ये होशे रात है, ये भिनस जान वाले है। जेड़ा नाम दा रस है ये अमृत रूपी है। हे पुरश तू अमर हो जाएगा, नाम रूपी रस नूं पी, होशे रसा विच मूर्खा ना लपट, ऐसे महाराज कह रहे हन। होशे रस केड़े? जानी दुनियावी सुख संपदा ये होशी है, जानी ये कदे भिनस जानी है। जेड़ा नाम है जो पुरश जपदा है, जिस पुरश नू नाम दा आनंद आ गया उन्हां नू दुनिया पगले कहण लगी, जानी ऐसा ईश्वर दा आनंद है। ऐसे महाराज कहिंदे कि हे पुरश, कि भगवान कहिंदे अखे होशा मद चाक होए तुम बावरे, दुलब जन्म अकारथ। हे पुरशा होशे रसा विच तू लपट गया, मानस हीरा अमोलक जर्म है, इनू बेअर्थ क्यों गवालिया? नाम तो बिना ये तेरा हीरा अमोलक जर्म बेअर्थ जांदा है, इनू गवा ना। ऐसे भगवान कह रहे हन। अरे नारे ऐसी करो ताज सारंग तार तम तो भुला, मोहे लपट्यो दासी संग सान थे। हे नर हे पुरुष, भगवान कहिंदे रे नर ऐसी करें यानथ, हे पुरशा तू ऐसा मूर्ख क्यों होया?
सारंग सारंग नौ है भगवान का एक किथे धरिया गया एक समय जिहड़ा सदामा सी इने भगवान का हजार बरा पिछले जन्म तप करिया उथे भगवान ने शंख चक्र गदा पदम बैजंती माला गले में लम्बिया पूजा कमल नेत्र सुंदर स्वरूप दर्शन दिता उथे फिर 33 करोड़ देवता आया उन्होंने भगवान का नौ सारंग धरिया उथे बी सब दी सार लेना इस करके परमात्मा का नौ व्याकरण विच सारंग है इथे महाराज कहिंदे फरमाउंदे है सुनो की फरमाउंदे है अरे नारे आए सी करे अनथ ताज सारंग तर ब्रह्म तो पुला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ ये पुरुष सारंग ईश्वर नु फायता तू झूठी माया ना ते मगर लग गया परमात्मा नु तजिया हे पुरुष झूठे व्यवहारा दे पिछे लग गया ईश्वर नु फायता ऐसे महाराज फरमा रहे हन तरनी तर त्याग नीच कुल सेवा जेड़े तिना लोकां दे मालक ईश्वर है धरनी तर त्यागत ये पुरुष ईश्वर नू त्यागता नीचा दी सतसंगत करी शर्ती परमात्मा दी नीच सतसंगत करी फिर तन की मिलेगा खुश भी ना ऐसे भगवान कह रहे हम फोकट कर्म करे अज्ञानी मन मुख अंध कहावत हे पुरुष जिन ओ कर्म करता है जिन्ना दा कोई फल नहीं जे तुसी हुण सत्संगत करदे हो इहदा कोई सुनु फल है ये तुहाडा टाइम बेअर्थ नहीं जांदा ईश्वर दे दरबार विच लिखिया जाऊ जो नाम जपते हो वो थोड़े स्वात बेअर्थ नहीं जाने दरगाह विच उन्हां दी कीमत मिलेगी जो तुसी कुल दान करते हो वो थोड़ा धन बेअर्थ नहीं जाऊ वो किसी लेखे विच लगेगा हे पुरुष तू फोकट कर्म फिक्के कर्म ना कर जिन्हां दा अर्थ कोई फल नहीं ऐसे कर्म ना कर चंगे कर्म कर अच्छी सत्संगत कर तेनू तेरा हीरा अमूलक जन्म सफल हो जाए ऐसे महाराज फरमाउंदे हन सत होता आस कर मानिया जो बिन सत सो नहीं चल जाना था इहदा व्याकरण दा अर्थ की होया जेड़ा सत वस्तु है ओनू तू मिथ्या समझिया ईश्वर सत है ईश्वर दा नाम सत है भगवान कहिंदे जेड़ी मिथ्या वस्तु है ओनू तू सत करके मनदा ओ असत है ईश्वर सत है ऐसे महाराज फरमा रहे हन पर की करे अपनी कर पकड़ी ऐसे भूल पुलान हे पुरुष जिस वस्तु नू तू छड जाना है ओनू तू अपनी समझ है पुरुष मंदिर महल माड़िया आखिरकार आपके शरीर नू भी इन्हें छड जाना है हे पुरुषा तू ये जो वस्तु अपनी समझदा है ये तो तेरी है नहीं तेरे नाल ता नाम नहीं जाना है जा सत्संग करे नहीं जाना है ऐसे महाराज फरमा रहे हन खतरी ब्राह्मण सूद वै
समझावा शांति ना प्रेम ना चार वर्ण है पंडित क्षत्री वैश्य शूद्र चार अशर्म है चौहान वर्णा चो महाराज कहते जेड़ा प्रेम करता है वो ईश्वर नू पा लेंदा है चाहे कोई है जे तुसी प्रेम करो तुसी ईश्वर नू पा लोगे बेशक मेरे महापुरुषां दा भेस करिया है भेस नहीं प्रेम ना मिलूगा जिन्हें प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो जिन्हां ने परमात्मा दा प्रेम किया उन्होंने ईश्वर नू पाया किन्हें पाया मैं एक दृष्टांत देवा के इत्थे दस्या है इस अर्थ से अर्थ आएगा भी जेड़ा भगवान है ये सांझा है जो प्रेम करता है चाहे कोई वो पा सकता है यो नहीं भी किसी वर्ण विच भी ईश्वर मिलता है ईश्वर का तो कोई वर्ण ही है नहीं गा वो तो निराकार है जिवें प्रकाश है इहदा कोई चिन्ह नहीं रोशनी का ईश्वर शक्ति का कोई चिन्ह नहीं वर्ण तो परे है जिन्हां ने प्रेम किया उन्होंने ईश्वर नूं पा लिया किवें पाया मैं समझावा इत्थे दस्या है नीम मिलदा मर्तबा रब कोलों मंजिल प्रेम दी विचों जो पास होवे राम नाम जपे प्रहलाद वांगू ऐसा रब दे उत्ते विश्वास होवे है नी ध्रुव दे जैड अटल पद भी जिहदी भगती दा ऐड प्रकाश होवे करते काका ने करंग दरबार सिंघा रब मिलण दी जिन्हां नूं आस होवे रब मिलण दी जिन्हां नूं आस होवे इहदा की अर्थ होया नीम मिलदा मर्तबा रब कोल मंजिल प्रेम दी विच जो पास होवे जेड़ा प्रेम विच पास हो गया ओदे उस नूं वाहिगुरु कोलों मर्तबा मिलदा किवें जिवें प्रहलाद नूं मिलिया जिवें ध्रुव नूं मिलिया जिवें फरीद नूं मिलिया किस्तका मिलिया फरीद नूं एक समय जेड़ा बाबा फरीद सी ये किसी गुरमुखां दे देश चलिया गया जदों चलिया गया वो जेड़े गुरमुख सी जो फसल बीजते सी ना उन्हां च इन्नी शक्ति सी उसे वेले उगी आउंदी सी उगाउंदी सी वो जानी कामा कह लग्या फरीद झूठ बोलदा हुंदा सी जे कोई जे किसी ने कहना भी फरीद जी भोजन छको उन्हें कहना भी पल्ले भी बन्ने है बनी है खाधी भी है सी वह खास की रोटी लकड़ की वो गुरमुख उठ गया जलसीन ते जिन्ने सियार फरीद ने लियांदे उन्ने कणक अनाज जानी ना पैदा होया उगया ना उन्हें आके अपना हल फड़ लिया वो कह लग्या तू किहड़े देश दा है वो गुरमुख कहिंदा किते फरीद दे देश दा तां नहीं वो अखे आप दे आप नूं फकीर खवाउंदा सारी दिहाड़ी झूठ बोली जांदा फरीद ने सोचिया थाऊ बनिया भी किते यो ही ना कहता भी तू ही फरीद है फरीद साहब उन्हूं मिलके दर्शन करके चले गए फिर उन्होंने उन्होंने गुरु नानक मिले गुरु नानक ना बातां होनिया गुरु नानक कहिंदे वो कहिंदे फरीद दस कोई बात वो कहिंदे जी मैं बंदगी इबादत बड़ी करता है मेरी हर जगह दुर्दशा क्यों होती है वो कहिंदे अच्छा कि हाँ वो कहिंदे महाराज कहिंदे गुरु नानक वो कहिंदे फरीद तू बंदगी च पूरा है तेरा गुरु है नहीं कोई इस करके तू नगुरा है इस करके तेरी दुर्दशा होती है जानी ऐसी माया पैगी जेड़े अवतार है ना
ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਬਣਾ ਲੱਗ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਨੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਨਾ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਹਦ ਕਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਮਕਿਆ, 12 ਸਾਲ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਮਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਪੂੰਗਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੇੜ ਵੱਟ ਲਈ, ਬੇੜ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਣ ਡੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਾਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਮਕਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਲ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਤੇ ਸੰਗਲ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ? ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕਾਗਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗਟ ਡੂਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣ ਮਤ ਛੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਯਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੁਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੰਧਰਵ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲਤਾ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰ। ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਝੂਟੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਚੀਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਚੀਸਤ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਹਾਹਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਖਵਾਜੇ ਚੀਸਤ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਵਾਜੇ ਚੀਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ
मैनू शब्द दिओ, सिमरन दिओ। वो कहिंदे पुत्तर कदे वक्त आएगा, उन्होंने राम जी दित्ती, फिर दसांगे। भई फिर कदी दसांगे? ये क्या 12 साल जानी फरीद नूं इशनान कराउंदे नूं हो गए सी। एक दिन तड़के दा वक्त ते अगे डबिया है नहीं सी, डिगरी है नहीं सी, पिछड़े युगां विच पिछड़ी वस्ता विच भी है नहीं सी। लोकी अग दब दिंदे सी। फरीद ने अग दबी जा देखी, ओरगन है ना, अग ही है ना। उहने सोचिया भी तू ने भजन ते बहना है, इशनान मैं कराउणा है, भी ये गल की हुई, किवें करां? अगर है नहीं कोई वस्तु, है नहीं पानी कत्ता करना है, वो माघ का महीना। उन्हें चार छपेरे देखिया, दूर सारे दीवे की लैट दिसी। फरीद उत्थे नूं तुर पिया, भई ख्वाजा चिश्त गुरु का इशनान कराई। उत्थे जाके खनचनी का घर सी, फरीद ने नमस्ते करी, नमस्कार। वो लड़की ने कहा, आओ फरीद जी। वो कहिंदा, बीबी मैं अगन लेनी है। वो कहिंदी, फरीद एक खाना चाहिए। उन्हें कहा भी कितने माया कहिंदा, उन्हें माया कढ के रखती। वो कहिंदी, फरीद जी ये नहीं, आना नेत्र चाहिए। वो कहिंदा, उन्हें सोचिया भई गुरु जिहड़ा मेरा मैनू शब्द नहीं दिंदा, ये इम्तिहान है। वो कहिंदा, बीबी तू नेत्र मेरा कढ ला, अग दे दे, मेरा वक्त है, मेरा नितनेम दे विच भंगण पैंदी है, ये मैं इशनान कराउणा है अपने गुरु का, मेरा नेत्र कढ ला, मैनू अगन दे। उन्हें की करिया कंची ने, उन्हें नेत्र कढ लिया। जिस वेले नेत्र कढ़िया अगन दे, फरीद ने पट्टी बन ली। वो जिस वेले गुरु नूं इशनान कराता, उहदा सतगुरु कहण लग्या, वो कहिंदे, फरीद बेटा एक पट्टी क्यों बनी है? वो कहिंदा, जी अख नेत्र आया रहा है। वो कहिण लगे, उहदे इहदा अर्थ वी नेत्र मेरा दुखना आ गया। उहदा गुरु बोलिया, ख्वाजा चिश्त, वो कहिंदा, पुत्तर आया तां है पर कुछ फर्क है, उहदे नेत्र दुरुस्त हो गए पर फरीद दा उहो नेत्र छोटा हो गया। इन्ने कहिणे सी। जदों नेत्रां तों पट्टी खोली, उसे वेले कि फरीद दे दोहे नेत्र हो गए। उन्होंने फिर समझिया भी जिहड़ा मेरा गुरु है कि ये खामन है। उन्होंने उसनूं भी विश्वास करिया। फिर कहा, गुरु जी मैनू सिमरन दे। फिर फरीद नूं जानी ख्वाजा चिश्त फरीद दे गुरु सी, उन्होंने गुरमंत्र दिता ते फरीद दी की जाति सी, कोई जाति तां नहीं सी, कोई वर्ण नहीं सी, प्रेम सी ते खेड़ी मंजन ते पहुंच गया, गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम चढ़ गया। इस करके महाराज कहिंदे है, भाई कोई वर्ण है, जिन्हां ने प्रेम करिया, सतगुर दा सिमरन करिया, वो ईश्वर को पा लेगा, ऐसे भगवान कह रहे हन। खतरी ब्राह्मण सूद वैसा, सब एक नाम तरान था। खत्री, भैंस, पंडित, शूद्र,
ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੀਦ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਨੇਤਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਓ ਰਸ਼ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਰਸ਼ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਤੱਕਿਆ ਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤੱਕਿਆ ਵਾ ਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ 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 ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲਬਤ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।